हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 12 करे थे दैट इज हीरोंस फॉर्मूला। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जितना भी क्वेश्चन था वो सारा करवा दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था उससे पहले वो सारा मैंने आप लोगों को दैट इज एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट भी अच्छे से सीखना है तो आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 का जितना भी इन सभी चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा वीडियो, वो सारा कंसेप्ट, वो सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाया, उसमें आप लोग जाके आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पर आप लोगों को एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ। एक अम्ब्रेला है जो कि ट्रेंगुलर शेप का पीस ऑफ क्लॉथ का यूज किया गया है। एक अम्ब्रेला को बनाने के लिए उसमें 10 ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ का यूज किया गया है, ठीक है। ऑफ टू डिफरेंट कलर, और जो कलर है वो दोनों डिफरेंट है। अगर सपोज एक व्हाइट है तो दूसरा वाला ब्लैक है, ठीक है। एक व्हाइट तो दूसरा रबले, ऐसे करके इसका मतलब 5 व्हाइट है और 5 ब्लैक कलर है। ये आप लोग को फिगर आप लोग का दैट इज एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया, ठीक है। तो हमें बोला कर गया है कि टू डिफरेंट कलर ईच पीस मेजरिंग दैट इज 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। हर एक पीस का जो मेजरमेंट है वो कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, फिर ये आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। हर एक पीस जो ट्रेंगुलर शेप का जो क्लॉथ से जो हमारा अम्ब्रेला बना हुआ है, हर एक ट्रेंगुलर शेप का जो क्लॉथ है उसका मेजरमेंट दिया आपको दैट इज 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और ये भी जो है ये आपका कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोग को पूछा क्या है, देखिए यहाँ पे हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो हर एक कलर का, जैसे कि यहाँ पे दो कलर है, एक ब्लैक है एक व्हाइट है सपोज करे, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का कपड़ा कितना लगा ये अम्ब्रेला को बनाने में वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। और साथ ही साथ दैट इज व्हाइट कलर का कपड़ा कितना लगेगा वो आपको फाइंड करना है इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ट्रेंगल का एरिया निकालूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन साइज ऑफ ए ट्रेंगल, क्या दिया आप लोगों को, ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान दो यहाँ पे जो साइड दिया है ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ का, पहला साइड है आपका 50 सेंटीमीटर, उसके बाद है 20, उसके बाद है 50, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ए इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा बी इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और सी इक्वल टू कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एरिया कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या चाहिए मुझे, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो मैं इसके बाद जब साइड आप लोग लिख लिया, मैंने साइड कहां से लिखा, जो हमें गिवन है ये लिखिए, ठीक है। इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी मान लिया, साइड ऑफ ए ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। अब यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एस इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया 50 प्लस बी का वैल्यू कितना दैट इज 20 प्लस और सी का वैल्यू कितना दैट इज 50 होल डिवाइडेड बाई 2 का 2। ठीक है, अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ 50 प्लस 50 100 प्लस 20 बिकम 120। तो कितना हुआ दैट इज 120/2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो हमारा s इक्वल टू कितना आ गया, ये s इक्वल टू कितना का 120/2। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना हुआ 2 3 12 0, तो s इक्वल टू कितना का 60 दैट इज सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आ गया दैट इज सेमी पेरीमीटर, नॉट स्क्वायर, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग किरोन्स फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, तो यूजिंग किरोन्स फॉर्मूला, किरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ इक्वल टू क्या होगा दैट इज अंडर रूट, इसको मैं नीचे लिखता हूं, इक्वल टू अंडर रूट दैट इज एस 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 माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये आपका हो गया दैट इज किरोन्स फॉर्मूला का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे एस का वैल्यू कितना दिया देखिए 60, तो इंप्लेस ऑफ एस क्या होगा 60, फिर एस का वैल्यू कितना 60, तो 60 माइनस क्या होगा ए का वैल्यू कितना देखिए ए का वैल्यू 50, तो यहाँ पे 50 होगा। फिर देखिए एस का वैल्यू कितना 60, तो यहाँ पे 60 माइनस डी का वैल्यू कितना दिया दैट इज 20, तो यहाँ पे 20। इसके बाद फिर एस का वैल्यू कितना दैट इज 60, तो यहाँ पे 60 माइनस सी का वैल्यू कितना दैट इज 50, तो यहाँ पे कितना होगा 50। इसके बाद यहाँ पे 60 का 60 रहेगा, अब 60 माइनस 50 ये हो जाएगा दैट इज 10, ब्रेकेट का मतलब ही इंटू होता है तो इंटू लिखते हैं, तो 60 माइनस 50 ये हो जाएगा 10 इंटू, फिर ये 60 माइनस 20 कितना होगा 40, फिर ब्रेकेट मतलब इंटू 60 माइनस 50 कितना होगा दैट इज 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको फर्दर सोल्व करते हैं अंडर रूट, अब मैं इसको तोड़ूंगा। ठीक है, तो अगर तोड़ने से देखिए क्या आएगा, 60 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा दैट इज 6 इंटू 10। ठीक है, इंटू 60 को मैंने 6 इंटू 10 के फॉर्म में तोड़ दिया और 10 का फिर 10 लिखा मैंने, इंटू 40 को मैंने 4 इंटू 10 के फॉर्म में लिख दिया 4 इंटू 10 इंटू फिर 10 का 10। ठीक है, अब इसके बाद अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोग वीडियो पोस्ट करके उसको लिख लेना वो डायग्राम। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां पे हमारा जो रिजल्ट आएगा इक्वल टू, अब यहां पे अगर देखें आप लोग यहां पे कॉमन कौन सा देखिए, तो यहां पे ये 10 10 2 2 2 में से 1 बाहर, तो 10 इंटू फिर ये 10 2 2 1 बाहर, फिर क्या बचेगा दैट इज 6 और 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ अंडर रूट 6 इंटू 4। ठीक है, आप 10 10 का कितना होता है 100। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 6 इंटू 4 दिया है, इसको फिर से तोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं 6 को और 4 को 2 इंटू 2 में। ठीक है, तो यह रहेगा 100 दैट इज 2 2 और 3 है। ठीक है, तो यहां से 2 कॉमन है बाहर निकाल देते हैं, तो इंटू 2 फिर क्या बचा 3 और 2 बचा, 3 2 6 बचा दैट इज 200√6 cm². ये आपका एरिया ऑफ ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ है, मतलब एक ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ का एरिया इतना है। तो अब क्या करूंगा मैं, टोटल कितना ट्रेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ यूज हुआ है 10। ठीक है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर एक का इतना आ रहा है यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ 1 पीस ऑफ, तो यहां पे एरिया ऑफ 1 पीस ऑफ क्लॉथ कितना आया दैट इज 200√6 cm². ठीक है, तो इन द सेम वे एरिया ऑफ 10 पीस ऑफ क्लॉथ
ये कितना आएगा, बस हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 × 200 √6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, दैट इज 200 √6 × 10, ये बिकम 2000 √6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया, दैट इज 10 पीस ऑफ क्लॉथ का इतना है। अब यहाँ पे देखिए टोटल जो कलर यूज किया गया है ये अम्ब्रेला को बनाने में, कितना कलर यूज किया गया, 2, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लॉथ ऑफ इच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला इज, देयरफॉर क्लॉथ ऑफ इच कलर रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे दो, बस ये जो टोटल एरिया है इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना है आपका 2000 √6 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1000 √6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब जो व्हाइट वाला कपड़ा है आपको इतना चाहिए और ब्लैक वाला भी इतना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे किए, सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रेंगल का एरिया निकाला एक पीस ऑफ क्लॉथ का, तो मेरा एरिया कितना है, दैट इज 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा एक ट्रेंगल का एरिया इतना है तो 10 ट्रेंगल का कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया वो एरिया को, ये एरिया को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया था कि तुम एक कलर का कपड़ा कितना यूज होगा वो बताओ, तो एक कलर का कपड़ा कैसे निकालेंगे, जो जितना एरिया आया टोटल एरिया उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से क्यों करेंगे, बिकॉज 2 कलर यूज होगा, अगर 3 कलर होता तो 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वही, तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको ये लिखना है, इसके नीचे आपको ये लिखना है और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 12.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।